आणि ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी आता स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिलेली आहे महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादासंदर्भात स्थगन प्रस्तावासाठी ही नोटीस देण्यात आली आहे नियम दोनशे सदुसष्ट अंतर्गत सभागृहात चर्चा करावी अशी मागणी या प्रस्तावातनं प्रियंका चतुर्वेदींनी केली आहे आणि सध्या प्रशांत कदम यांच्यासोबत प्रियंका चतुर्वेदी स्वतः आहेत आपण त्यांची भूमिका जाणून घेऊयात प्रशांत ज्ञानदा अपेक्षेप्रमाणे या संपूर्ण सीमावादाचे अधिवेश पहला दिवसीय उमड़ता दिखता है शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आता सोबत आपने जो नोटिस दिया है है तो क्या मांग है आपको और क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर चर्चा जल्दी से जल्दी होनी चाहिए इस पर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए और मैंने इसलिए पार्लियामेंट में किया है क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है दोनों राज्य सरकारों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और फिर भी हमारे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं मूक दर्शक बने बैठे हैं हमारी अस्मिता पे वार हो रहा है हमारे आन बान शान पे वार हो रहा है हमारे बॉर्डर्स का इशू बनाया जा रहा है हमारी बसेस पे तोड़फोड़ की जा रही है बसेस की एंट्री नहीं दे रहे हैं कर्नाटका के मुख्यमंत्री दादागिरी जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं मंत्रियों को आने भी नहीं दे रहे हैं और हम लोग मुख दर्शक बनकर बैठे हुए हैं हमें ये कतई मंजूर नहीं है ये जो सोची समझी इनकी नियोजन हो रहा है रणनीति बन रही है भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र से ही हो रही होगी खुद संजय राव जी ने भी इसके बारे में ट्वीट किया है ये केंद्र सरकार के सपोर्ट के बगैर काम नहीं हो सकता है और हम पर हम महाराष्ट्र की जन को किसी भी तरीके से उस, उनकी अस्मिता पे वार होने नहीं देंगे इसलिए मैंने कहा है मान्य नहीं तो आपका पवित्र नेमका का हम आंदोलन करना महाराष्ट्र में करेंगे हमें दिल्ली में करना पड़ेगा हम दिल्ली में करेंगे पर कहीं भी महाराष्ट्र के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होना कि पहले आप इंडस्ट्रीज ले जाते हैं केंद्र सरकार को जो समर्थन देना चाहिए महाराष्ट्र को वो नहीं देते हैं केंद्र सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे महाराष्ट्र के लिए वो नहीं कर रहे हैं और सोची साझी रणनीति के अंतर्गत जो गाँव बॉर्डर गा, वाले गाँव हैं उन सबको आप आक्रोशित कर रहे हैं कि बात करें कि दूसरे राज्य में जाना है तो ये बगैर किसी समर्थन के और हमारे गृह मंत्री भी देश के चुप बैठे हैं वो हम होने नहीं देंगे शिंदे गटा च कई खासदार गृह मंत्रियों जा रहा है तुम्हाला वाटतंय त्याच्यातून काही मार्ग निघेल कुछ भी नहीं निकलेगा ये लोग बस यहां पे जैसे तारीख पे तारीख पे तारीख होती है वैसे ही ये लोग कोई कमेटी की मांग करेंगे कमेटी से कहेंगे कि उस पर चर्चा हो व्यापक चर्चा हो ये इतने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं इस पर किसी तरीके का सल्यूशन ढूंढने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और वो सरकार को करना पड़ेगा और सबसे पहले जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री आए दिन धमकियां दे रहे हैं उस पर रोक लगानी पड़ेगी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वहीं से जो दादागिरी दिख रही है वहां पर खराब है और महाराष्ट्र की जनता यहाँ पे शांत बैठी है और वो चुप रहे रहे तो ये हम लढाई लढेंगे म्हणणे की याच्या पाठीमाग षडयंत्र आहे काय षडयंत्र तुम्हाला दिसतंय षडयंत्र तो काफ़ी सामने है ना पहले सबसे पहले आते ही इंडस्ट्रीज़ चली जाती हैं जो इंडस्ट्रीज़ में बकायदा एम साइन किया था हमारी सरकार के कार्यकाल में वो इंडस्ट्रीज़ चली जाती हैं आप देख रहे हैं किस तरीके से जो युवाओं के लिए रोज़गार के माध्यम बनने थे वो ख़त्म कर देते हैं फिर आप देख रहे हैं गाँवों में वो इस तरीके का वहम फैला रहे हैं कि आप दूसरे राज्यों में ज़्यादा खुश रहेंगे और वो लोग लो मांग नहीं करने लग गए हैं तो और हमारे मुख्यमंत्री जो हैं आए दिन दिल्ली दरबार में आकर घुटने टेक देते हैं महाराष्ट्र की जनता की आवाज़ नहीं उठाते हैं तो ये पूरी एक सोची साझी रणनीति है और ये महाराष्ट्र की जनता के हित में काम नहीं हो रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ हो रहा है ये सत्ता प्रेम को लेकर हो रहा है और ये विनाशकारी जो सोच होती है कि सत्ता सबसे ऊपर है जनता त्रस्त रहे हम मस्त रहें वो उस वाली सोच का काम है ज्ञानादा हे दिसतंय की संसदेचं अधिवेशन सुरू झालं आहे आणि अतिशय जोरदार पडसाद जे आहेत ते या सीमावादाचे सभागृहामध्ये उमटणार कारण ज्या पद्धतीची भूमिका खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी स्पष्ट केलेली आहे ठाकरे गट सुद्धा आक्रमक आहे शिंदे गटाची भूमिका नेमकी काय होते ते देखील आपल्याला बघावं लागेल बरोबर या प्रश्नी लक्ष घालून तोडगा काढण्याचं उत्तरदायित्व केंद्र सरकारचं या भूमिकेतनं ही नोटीस दिल्याचं प्रियंका चतुर्वेदींनी म्हटलंय धन्यवाद प्रशांत या प्रतिक्रियेबद्दल माहितीबद्दल एबीपी माझा उघड़ा डोले बघा नीट